हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी का ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच 11 मार्च 2024 से प्रारंभ हो रहा है। तो जो छात्र अपनी तैयारी को अच्छे वे में करना चाहते हैं तो वो हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी, जिसे सस्य विज्ञान बोलते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो इसका ऑप्शन है अरबी, यूनानी, लैटिन और लैटिन ग्रीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो है लैटिन। कौन सा ऑप्शन है? लैटिन। बात करें अरबी भाषा का कौन सा शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है मौसम। एक बात याद रखिए, आप लोग लिखते जाइएगा, साथ में मैं बोल दूंगा ऑप्शन के बारे में, तो लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यूनानी भाषा का कौन सा शब्द है, तो यूनानी भाषा का शब्द है सस्य विज्ञान, जिसे एग्रोनॉमी बोलते हैं, है ना। यूनानी को ही क्या बोलते हैं, जो ग्रीक है ना, ग्रीक भाषा आप लोग पढ़े होंगे, तो ये यही है, यूनानी को ही ग्रीक बोलते हैं। लास्ट ऑप्शन है लैटिन ग्रीक। तो लैटिन ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो है पोमोलॉजी, और ये पोमोलॉजी शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हल का आविष्कार कब हुआ था? तो ऑप्शन है 3400 BC, 2100 BC, 2700 BC और 7500 BC। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 2100 BC। कब हुआ था? 2100 BC में। बात करें 3400 BC में क्या हुआ था, तो इसमें पहिए का आविष्कार हुआ था, विश्व में सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार हुआ था। 2700 BC में क्या हुआ था, तो 2700 BC में सर्वप्रथम रेशम कीट पालन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और कहाँ हुई थी, तो चाइना में हुई थी, ठीक है, चीन में सर्वप्रथम रेशम कीट पालन की शुरुआत हुई थी। लास्ट ऑप्शन है 7500 BC। तो 7500 BC में सर्वप्रथम कृषि की जो फसलें हैं उनकी खेती शुरू हुई थी, और वो फसलें कौन कौन सी हैं, तो गेहूं, गेहूं और जौ, ठीक है। याद रखिएगा सर्वप्रथम यही दो फसलें थी जिनकी खेती शुरू हुई थी, और कब? 7500 BC में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अकाल आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 1899 से 1900, 1880, 1975 और 1906। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1880। तो अकाल आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1880 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं 1899 से 1900 में क्या हुआ था, तो इसमें छप्पनिया अकाल पड़ा था, आप लोग लिख लेना, 1899 से 1900 के बीच में छप्पनिया अकाल पड़ा था। 1975 में क्या हुआ था, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, जिसे IMD बोलते हैं, उसकी स्थापना पुणे में, ठीक है, ये 1975 नहीं है, 1875 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ये मिसटाइप हो गया है, ठीक है। 1875 में सर्वप्रथम IMD की स्थापना हुई थी, जिसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, पुणे महाराष्ट्र में। अब वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। हाँ, लास्ट ऑप्शन है 1906। तो 1906 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? देहरादून, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडियन विलेज सर्विस, ये सर्विस है यहाँ पर, सर्विस किसने चलाई थी? इसके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी जी, BN गुप्ता और FN ब्रायन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा BN गुप्ता। किसने चलाई थी बेटा? BN गुप्ता ने। और बात करें कब चलाई थी, तो चलाई थी 1945 में। कब चलाई थी? 1945 में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, वो है श्री निकेतन प्रोजेक्ट, ठीक है, आप लोग लिख लेना, श्री निकेतन प्रोजेक्ट किसने चलाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। फिर महात्मा गांधी जी की बात करें तो इन्होंने सेवाग्राम प्रोजेक्ट चलाया था। कौन सा प्रोजेक्ट? सेवाग्राम। और लास्ट ऑप्शन है FL ब्रायन, इन्होंने गुड़गांव प्रोजेक्ट, ठीक है,
गुरुगांव प्रोजेक्ट चलाया था, ठीक है। तो इंडियन विलेज सर्विस किसने चलाई थी? बी एन गुप्ता ने। कब चलाई? 1945 में। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो बात करें नाबार्ड के मुख्यालय की, तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं पहले, हैदराबाद, ठीक है, मुंबई, करनाल और नई दिल्ली। तो जो नाबार्ड का मुख्यालय है वो है कहाँ बेटा? वो है मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। और नाबार्ड की जो मुख्य स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। ये आप लोग लिख लीजिएगा, जो नाबार्ड की स्थापना है वो हुई थी 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट बात करें हैदराबाद में, तो हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है बहुत महत्वपूर्ण, इकरी सेट, इकरी सेट, ठीक है। इसकी जो मुख्यालय है इकरी सेट का वो कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। करनाल, करनाल की बात करें तो करनाल में NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? करनाल, हरियाणा में है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली से याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर हुई थी ICR, ICR और IARI, ठीक है। इन दोनों इंस्टीट्यूट का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। ICR में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और यह है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति के जनक हैं, तो इसके ऑप्शन हैं नॉर्मन बोरलॉग जी, एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन और के एल चड्डा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, श्वेत क्रांति के जनक हैं वो, तो कौन है? वो हैं वर्गीज कुरियन जी, ठीक है। कौन है श्वेत क्रांति के जनक? वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग कौन है, तो इन्होंने, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति के जनक, ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग। और बात करें एम एस स्वामीनाथन जी की, तो ये हैं भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है। ये कहाँ हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है। हरित क्रांति के संबंध किससे है? तो वो है खाद्यान्न उत्पादन से, आप लोग लिख लीजिएगा। हरित क्रांति का जो संबंध है वो है खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट बात करें कि के एल चड्डा कौन है, तो ये फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है, सुनहरी क्रांति के जनक हैं, ठीक है, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, ठीक है, ये सुनहरी क्रांति के जनक हैं। तो ठीक है, श्वेत क्रांति के जो संबंधित किससे है? वर्गीज कुरियन जी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसके जो ऑप्शन हैं, झींगा उत्पादन, ठीक है, अंडा उत्पादन, आलू उत्पादन और उर्वरक उत्पादन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो वो है अंडा उत्पादन से, ठीक है, अंडा उत्पादन, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। बात करें झींगा उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, तो ये है गुलाबी क्रांति, ठीक है, कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति, ठीक। आलू उत्पादन की बात करें तो आलू उत्पादन संबंधित है गोल क्रांति से, गोल क्रांति, ठीक है। और उर्वरक उत्पादन की बात करें तो ये संबंधित है धूसर क्रांति से, धूसर क्रांति, ठीक है। ये जो क्रांतियां हैं ये जिद्दी दी गई हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्रांति जितनी है सब लोग देख लेना, ठीक है। इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो जितनी क्रांतियां हैं कृषि की उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, उसके बाद सारी क्रांतियां बाकायदे हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गोल्डन राइस के जनक कौन हैं, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है सीटी पटेल, इंगो पोर्टिकस एंड पीटर बेयर, आर सी गौतम और एस के वासल।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो है, कौन है? इंगो पोर्टिकस एंड पीटर वियर। इंगो पोर्टिकस, पीटर वियर, इन्होंने जो गोल्डन राइस है इसको बोलते हैं सुनहरा धान, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सुनहरा धान, सुनहरा धान। तो सुनहरा धान की इन्होंने खोज की, और क्यों की? क्योंकि पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने के लिए, जो गोल्डन राइस होता है ये वाला, इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो गोल्डन राइस होता है इसमें विटामिन ए अधिक पाया जाता है। और जो इंडो पोर्टिकस हैं ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये जर्मनी के निवासी हैं, जर्मनी, ठीक है। और ये गोल्डन राइस की खोज की थी 1999 में, ये बात आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीटी पटेल जी, ठीक है। सीटी पटेल जी कौन है? तो ये हैं संकर कपास के जनक। इसके संकर कपास, संकर कपास के जनक कौन है? सीटी पटेल जी। नेक्स्ट बात करते हैं आरसी गौतम, तो इन्होंने बाजरे में रोपाई विधि की खोज की थी, बाजरे में रोपाई विधि की खोज, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है एस के वासल। तो एस के वासल जी संबंधित हैं किससे? क्यूपीएम से, क्यूपीएम जिसे बोलते हैं क्वालिटी प्रोटीन मैस, क्वालिटी प्रोटीन मैस। मैस ये याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चलाई गई? तो इसके ऑप्शन हैं 1985, 2004, 1999 और 2016, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो चलाई गई थी 2016 में, ठीक है। कब चलाई गई थी? 2016 में। बात करें 1985 में, तो 1985 में ही जो CACP है, CACP, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और विश्व खाद्य, इसी से लिख लेना, विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है 2004, तो 2004 में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई थी, किसकी? किसान कॉल सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट 1999, तो 1999 में आप लोग ले लेना, ठीक है, 1999 और 98 से 99 में, ये 1998 से 99 में चलाया गया था KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्थापना हुई थी, किसान क्रेडिट कार्ड कार्ड, ठीक है। तो ये कब चला था? ये चला था 1998 से 1999 में, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चलाई गई? तो 2016 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं और बॉल ऑफ राइस, बॉल ऑफ, बॉल ऑफ राइस ना, धान की डलिया। तो ऑप्शन है हमारे छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब और गुजरात, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, धान की डलिया किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेटा छत्तीसगढ़ को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये धान की डलिया वाला पूछता है कि किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। एक क्वेश्चन आता है, सोया स्टेट किसे कहा जाता है? सोया स्टेट है ना, किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मध्य प्रदेश को। किसको कहते हैं बेटा? मध्य प्रदेश, ठीक, ये वाला लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम सिंचाई आयोग का कब बना, ठीक है। प्रथम सिंचाई आयोग कब बना? तो इसका जो ऑप्शन है, पहला है 1969, बी 1901, 1960 और 1985।
ठीक है, तो प्रथम सिंचाई आयोग बना था 1901 में, कब बना था 1901 में। और बात करें 1969 में क्या हुआ था, तो इसमें द्वितीय सिंचाई आयोग बना था, ठीक है, 1969 में द्वितीय सिंचाई आयोग बना था। नेक्स्ट बात करते हैं 1960 में, तो 1960 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का की स्थापना हुई थी, कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और जो कहाँ है पंतनगर उत्तराखंड में, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है 1985, तो 1985 में एक लेना फसल बीमा योजना चलाई गई थी, ठीक है, फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चलाई गई थी, 2016 में। और बात करें फसल बीमा योजना कब चलाई गई थी, तो वो 1985 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि एग्रोनॉमी कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है, यानी किस वैज्ञानिक ने कहा था कि सच विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है एम एस स्वामीनाथन जी, बी आर सी आर बाल, जैन थ्रोटुल और पीटरो डी क्रेसेन जी, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है सी आर बाल जी, ठीक है। सी आर बाल जी ने कहा था कि सस्य विज्ञान फसल उगाने की कला और विज्ञान है, किसने कहा था, सी आर बाल जी ने। बात करें एम एस स्वामीनाथन जी की, तो इनको सर्वप्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, यानी सबसे पहला वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया था, तो एम एस स्वामीनाथन जी को ही दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जैनथ्रोटिल की, तो ये क्या है, भू परिष्करण के पिता हैं, ठीक है, जैनथ्रोटिल जी जो हैं भू परिष्करण के जनक हैं या पिता कहें, भू परिष्करण के जनक हैं। लास्ट ऑप्शन है पीटरो डी क्रेसेन जी, तो ये क्या है बेटा, ये हैं सस्य विज्ञान के जनक, ठीक है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं पीटरो डी क्रेसेन जी को, सस्य विज्ञान के जनक, ठीक है, सस्य विज्ञान के पितामह कौन है, पीटरो डी क्रेसेन जी हैं। और इनकी एक बुक बहुत फेमस है, वो है ओपस रूरेलियम कामोडारम, कौन सी बुक है, ओपस रूरेलियम, ओपस रूरेलियम कामोडारम, कामोडारम, ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, वो हैं 1955, 1908, 1929 और 1905, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है 1955, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी, 1955 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट बात करें कि 1908 में क्या हुआ था, तो 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई थी, किसकी बेटा, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1929 में, ठीक है, तो 1929 में किसकी स्थापना हुई थी, आईसीआर की, आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई, 16 जुलाई 1929 में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि आईसीआर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आईसीआर स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो कब, 16 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 1905 में क्या हुआ था, तो 1905 में आईएआरआई, आईएआरआई इंडियन इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1905 में, और कहाँ हुई थी, पूसा बिहार में हुई थी, पूसा बिहार, ठीक है।
लेकिन बात करें वर्तमान में कहाँ इसका मुख्यालय है, तो वर्तमान में कहाँ है, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान का टुंगरू रोग किससे होता है। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन मैंने बना दिए थे, थोड़ा ध्यान से रख दिया था। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए धान का टुंगरू रोग किससे संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, निमेटोड और कवक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विषाणु से। किससे होता है, विषाणु से। जो टुंगरू रोग है धान में विषाणु से होता है, और जिसे फैलाने का कार्य कौन करता है, हरा फुदका। जो वेक्टर होता है कारक जिससे फैलाया जाता है वो है हरा फुदका, हरा फुदका। ठीक है, निफोटेटिक्स वायरस का जो साइंटिफिक नेम है निफोटेटिक्स, निफोटेटिक्स वायरेसेंस, वायरेसेंस या निफोटेटिक्स निग्रोपेक्टस, दो नाम है इसके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कवक से। तो कवक जनित एक रोग होता है, इसमें पत्ती का, धान की पत्ती का भूरा धब्बा रोग, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, भूरा धब्बा रोग, भूरा धब्बा रोग। ठीक है, धान की पत्ती का भूरा धब्बा रोग किससे होता है, तो वो होता है हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजी कवक से। किससे, हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजी कवक। ओराइजी, ठीक है, तो ये कवक से होता है और इसी कारण बंगाल में अकाल पड़ा था। ठीक है, बंगाल फेमाइन किससे संबंधित है, तो इसी कवक से है। ठीक है, हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेगिंग की क्रिया किस फसल से संबंधित है। ठीक है, जो पेगिंग होती है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में अधिकीलन, अधिकीलन ना। पेगिंग किससे संबंधित है, ऑप्शन है कपास, जूट, मक्का और मूंगफली। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मूंगफली, ग्राउंडनट। ठीक है, मूंगफली में ही पेगिंग की क्रिया होती है। ठीक है, और पेगिंग होता क्या है, तो मूंगफली में पेग या गाइनोफोर का निकलना क्या कहलाता है, पेगिंग कहलाता है। ठीक है, लिख लेना, मूंगफली में पेग या गाइनोफोर का निकलना पेगिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कपास में कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो कपास में एक क्रिया होती है डिलिंटिंग, 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 और एक होती है जीनिंग, गिनिंग बोलते हैं, जीनिंग, जीनिंग। ठीक है, तो ये दो क्रियाएं कपास में होती हैं, इनके बारे में डिटेल जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, तो उसमें बताया जाएगा कि जितनी क्रियाएं हैं फसलों में होती हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करें जूट में कौन कौन सी क्रिया होती है, तो जूट में होती है रेटिंग, रेटिंग हो गई, रिबोनिंग हो गई, रिबोनिंग, 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 और एक होती है स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग। ये तीन क्रियाएं प्रमुख हैं जो जूट में की जाती हैं। बात करें मक्का में, तो मक्का में क्रिया होती है डी टेसलिंग, कौन सी, डी टेसलिंग, डी टेसलिंग। ठीक है, तो डी टेसलिंग किससे संबंधित है, मक्के में, और ये क्या होता है, मक्के में नर पुष्प को हटाना डी टेसलिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्के में नर पुष्प निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये क्वेश्चन मक्का से है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स की बात की जाए तो उसमें मक्का का प्रमुख स्थान है। मक्का से क्वेश्चन बीज दर से भी बहुत आते हैं, उसमें ये क्रियाओं से आते हैं कि टेसलिंग किस में होता है, सिल्किंग किस में होता है ना, डी टेसलिंग किस में होता है, तो मक्के में ही होते हैं सारी क्रियाएं। ठीक है, हाँ, तो इसकी जो ऑप्शन है डी टेसलिंग, सिल्किंग, तिरक और टेसलिंग। तो इसमें नर पुष्प का निकलना पूछ रहा है। ठीक है, किसका, नर पुष्प का, तो नर पुष्प का निकलना क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है टेसलिंग। मक्के के नर पुष्प को क्या बोलते हैं, टेसल, टेसल, मक्के के नर पुष्प को टेसल कहते हैं।
और इस टेसल के निकलने की क्रिया को टेसलिंग कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिल्किंग क्या है, तो सिल्किंग में जो मक्के का मादा पुष्प होता है, ठीक है, कौन सा पुष्प, मादा पुष्प, मादा पुष्प, उसको बोलते हैं सिल्क, क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं, और इसी सिल्क की निकलने की क्रिया को बोलते हैं सिल्किंग, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है तिरक, तिरक की थोड़ा बात कर लेते हैं, तिरक का संबंध किससे है, कपास से है। पहली बात तो इसका संबंध किससे है, कपास से है। तो जो कपास के बॉल होते हैं है ना, जिसमें कपास होता है, कपास रुई बनती है, उसको बोलते हैं, वो जब सही ढंग से नहीं खुलता है तो उसी को बोलते हैं तिरक, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिक्किम, कौन सा होगा बेटा, सिक्किम होगा। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत का 100% सर्वप्रथम क्वेश्चन ये आता है कि सर्वप्रथम भारत का 100% कार्बनिक राज्य कौन सा है, 100% पूर्ण कार्बनिक राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम ही है, ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यानी मध्य प्रदेश में जैविक खेती का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, लेकिन प्रतिशत की बात की जाए कि किसी राज्य के क्षेत्रफल का कितने भाग में जैविक खेती होती है, तो सर्वाधिक वो है सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों की रानी किसे कहा जाता है, ठीक है, चारों की रानी किसे कहा जाता है, द क्वीन ऑफ फोडर, तो ऑप्शन है बरसीम, लूसर्न, मक्का और बाजरा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लूसर्न, ठीक है। किसे कहा जाता है, लूसर्न को कहा जाता है चारों की रानी, है ना। लूसर्न का जो साइंटिफिक नेम है वो है मेडिकागो, मेडिकागो सटाइवा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना आप लोग, मेडिकागो सटाइवा, सटाइवा। नेक्स्ट बात करते हैं बरसीम में, तो बरसीम को कहा जाता है चारों का राजा, क्या कहा जाता है, किंग ऑफ फोडर, चारों का राजा, चारों का राजा। नेक्स्ट बात करते हैं मक्के में, तो मक्के से सबसे अच्छी साइलेज बनाई जाती है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो सबसे अच्छी साइलेज किससे बनाई जाती है, सबसे अच्छी साइलेज तो वो बनाई जाती है मक्के से ही, साइलेज वो किससे बनाई जाती है, मक्के से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईसीएआर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है, आईसीएआर के वर्तमान अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन हिमांशु पाठक, अर्जुन मुंडा, बी विश्वनाथ और ए के सिंह, ठीक है। तो इसमें बात की जाए वर्तमान अध्यक्ष की आईसीएआर के, तो वो हैं अर्जुन मुंडा जी, कौन है, अर्जुन मुंडा जी हैं वर्तमान में आईसीआर के अध्यक्ष, ठीक है। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे नरेंद्र सिंह तोमर जी, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हिमांशु पाठक जी कौन है, तो हिमांशु पाठक जी हैं आईसीआर के वर्तमान महानिदेशक, ठीक है, वर्तमान महानिदेशक, महानिदेशक, ठीक है, आईसीआर के वर्तमान महानिदेशक कौन है, वो है हिमांशु पाठक जी। नेक्स्ट बात करते हैं बी विश्वनाथ जी की, तो ये हैं आईएआरआई के प्रथम डायरेक्टर, आईएआरआई के प्रथम डायरेक्टर हैं, प्रथम डायरेक्टर, ठीक है। और लास्ट में ऑप्शन है ए के सिंह, तो ए के सिंह है वर्तमान डायरेक्टर ऑफ आईएआरआई, ठीक है, ये है वर्तमान डायरेक्टर, वर्तमान डायरेक्टर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और अंतिम है, एसआरआई विधि से धान की बीज दर है, ठीक है, तो एसआरआई को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलते हैं, एसआरआई जिसको
जिसको कहीं कहीं मिला लिखा मिलता है श्री, है ना, सीधे पूछता है श्री विधि का संबंध है, तो जो श्री विधि है उसका संबंध किससे है, तो धान से है। ठीक है, पहली बात तो धान से है ना। इसमें बीज दर पूछा है कितनी होती है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 18 से 20 किलोग्राम, 6 से 7 किलोग्राम और 1 से 1.5 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, जो श्री पद्धति से धान की बीज दर होती है वो कितनी होती है, 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो दिया है 2 से 3 किलोग्राम, तो ये डेपोक विधि का है। ठीक है, जो डेपोक विधि होती है आप लोग सुने होंगे, जिसे मैट मेथड भी बोलते हैं, डेपोक विधि, उसी में ये बीज दर होती है 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 18 से 20 किलोग्राम ये मक्का की, ये संकर मक्का की बीज दर दी हुई। ठीक है, संकुल की है, सॉरी, संकुल मक्का है ना, संकुल मक्का की जो बीज दर होती है वो होती है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लास्ट ऑप्शन है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो ये संकर कपास की बीज दर है। ठीक है, बीटी कपास की, हाँ बीटी कपास की है, बीटी कपास। ठीक है, ये बीटी कपास की बीज दर है प्रति हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन 20 ही थे तो हो गए हैं। आप लोग पढ़ते रहिएगा और हाँ नोट्स करना मत भूलिए, उनको अच्छे से लिखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा बीच बीच में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।